गुड आफ्टरनून ऑल, कैसे हो आप सब? आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। देखो, अभी हमारे सबके घर में गणेश जी आए हुए हैं, है ना? साल में एक बार 10 दिनों के लिए किन किन लोगों के घर में, एक दिन के लिए, कहीं पे 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए गणेश जी हमारे घर पर पधारते हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं और भक्ति या बहुत ही प्यार से हम उनका पूजन करते हैं। हर साल की तरह इस साल हम गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से नहीं मना रहे। कोरोना की वजह से हम सब घर पर बैठ के ही गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो जल्द ही ये कोरोना जैसी बीमारी से गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा उनसे आशीर्वाद लेकर आज हम गणेश जी की आज के पाठ की शुरुआत करेंगे गणेश जी की वंदना से। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े भोग चढ़े और चढ़े मेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से हमने गणेश जी की प्रार्थना की है। हमने नए पाठ को शुरुआत की थी, पाठ 5 पहचान हमारी। सबको टेक्स्ट बुक ऊपर निकालने हैं और टेक्स्ट बुक में से पाठ 5 पहचान हमारी यह पाठ निकालिए। देखो, हमने पार्ट 5 को शुरू किया था, पहचान हमारी भाग 1। हाँ, इसमें हमने देखा था, इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें स्वरों के मात्राओं की जानकारी दी गई है। हाँ, स्वर दिए गए हैं इसमें। हम इस पार्ट में हमने कौन कौन से स्वर देखे हैं? ओ, आ, ई, ई, उ और उ। इन स्वरों का अभ्यास हमने इस पाठ में किया है। देखो, पहले हमने देखा था अ, पहले पेज पे, पेज नंबर 8, पान क्रमांक 8 पे हमने देखा था, पन्ना क्रमांक 8 पे देखा था हमने कि वहाँ पर दो मात्राएं बताई गई है, एक तो है अ और आ। हमारे पाठ्यपुस्तक में हमें पहचान हमारी इस पाठ में से बेसिक जो है, जो हिंदी यह विषय हमें इस बार पहली बार है, इसीलिए हमें ये बेसिक जो है वो बताया गया है। देखो, पाठ 5 पहचान हमारी भाग 1, हम इसमें हमने ओ और आ की मात्रा देखी थी, बराबर है? जैसे हमें पहला उदाहरण दिया गया था छ, और उसी से शुरू होने वाले जो क्या, उसी छ, यह जो अक्षर है, यह जो स्वर व्यंजन है,
वो आने वाले शब्द हमें नीचे दिखाई दिए दे रहे। जैसे कि देखो छ, तो बछड़ा जो छ है पहला अक्षर वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है, बछड़ा शब्द में दिखाई देता है, बछड़ा यानी गाय का बच्चा। उसके बाद ह है, ह से हथेली, उसी तरह से डफ दिया गया था तो ड से डमरू और फ से फल, इस तरह से अक्षर दिए गए थे। नीचे देखो हमें दिया गया था अदरक, अ से अनार, द से दमकल, च ज से जलचर और क से कटहल, ऐसे जो शब्द है वो हमें बताए गए थे। उसके बाद है आकाश, घट और हाथ, ये हमें दिए गए थे, बराबर है। अभी हमने बीच में वर्कशीट ली थी इसलिए मैं वापस आपको ये बता रही हूँ। तो आकाश, घट और हाथ, नीचे दिए गए शब्द पढ़ो तो कछुआ, शलगम, उसके बाद है घड़ी, ठीक है। इसमें से आकाश में से आ या और श से शुरू होना शब्द बताए, घट में से घ और ट, उसके बाद हाथ में से थ से थपकी। देखो उसमें आ श घ ट और थ, वैसे ही नीचे आपको पढ़ो में कुछ शब्द दिए गए हैं, डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अह, अरहर, अशरफ, अटककर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार और षटकार। इस जैसे जो शब्द है जो जिनमें अ और आ की मात्रा आती है, आ की मात्रा यानी पहला काना आता है, उसके बाद अ जो है उसे कोई भी मात्रा नहीं लगती है, इस तरह से हमने देखा है। अब हम देखेंगे अगला पन्ना जहाँ पर ई की मात्रा, दोनों ई, ई ई और उ, उ की मात्रा बताइए। देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लिखा है देखो और सुनो, उसके आगे ई लिखा है जिसे पहली जो है वो वेलांटी जिसे हम कहते हैं मराठी में, ई की मात्रा पहली जिसे हम मराठी में पहली वेलांटी कहते हैं, जो अक्षर के बाई ओर लगाई जाती है, वह आपको दिखाई दे रही है ना। तो दूसरी ई का मतलब है जो अक्षर के, दूसरी ई जो है वो अक्षर के दाई तरफ लगाई जाती है, और जैसे प्रयोग करते हैं हम मात्राओं का उस तरह से पहले जो ई की मात्रा है वो बाई तरफ होती है तो दूसरी ई की मात्रा दाई तरफ होती है, और जिस तरह से हम मराठी में वेलांटी निकालते हैं उसी तरह से हम उसे लिखते हैं। हाँ समझ में आ रहा है। देखो मात्राएं दोनों तरफ समानता से है, जैसे मराठी में मात्राएं है वैसे ही हिंदी में भी है, सिर्फ उनका उच्चारण की जो है वो अलग है। जिसे हम वेलांटी कहते हैं इसे सिर्फ मात्रा कहते हैं जो अक्षर की दाई तरफ लगाई जाती है और दूसरी अक्षर की बाई तरफ लगाई जाती है। उसके बाद है ऊ, ऊ स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे धनु, ऊन, इस तरह के शब्दों में ऊ का प्रयोग किया जाता है। ऊ की मात्रा किस तरह से दिखाई दे रही है आपको, देखो यह मात्रा जो है नीचे लगाई जाती है अक्षर के और उसे घुमाऊ बाई और की तरफ किया जाता है, बाई ओर मतलब आपके
जो ऐसे हम मराठी में ऊ यानी उकार निकालते, पहला उकार निकालते, उसी तरह से लिखा जाता है। उसका घुमाव जो होता है वो बाई ओर होता है, बाई ओर होता है। तो दूसरा है, दूसरी ऊ जो है उसका घुमाव जो होता है वो दाई ओर होता है। अब देखो, बाई और दाई, यानी बाई ओर। अभी हमारे सामने किताब है, तो दाएं और बाएं इसका मतलब है, देखो बाई ओर मतलब हमारे लेफ्ट साइड और दाई ओर मतलब राइट साइड। इस तरह से ये मात्राएं दी जाती है। अब देखो, पहले हमें बताया गया है, पहला जो चित्र है वो दिया गया है इलायची, ऊपर लिखा हुआ है इलायची, ठीक है। अभी ई को, ई और इलायची, इस शब्द में से ई जो है उससे वो शब्द आने वाला शब्द कौन सा है, तो वो अक्षर आने वाला शब्द कौन सा है, साइकिल, साइकिल, क्या है, साइकिल। और यह आने वाला व्यंजन आने वाला कौन सा शब्द दिया गया है, पायल। देखो ये दो शब्द जो है वो इलायची, ये जो दो अक्षर है, सॉरी, ये जो दो अक्षर है उन्हें हमें ई और य को हमें अधोरेखित यानी बड़े अक्षरों में वो लिखा गया है। वैसे ही ईद, ईद में से एक बड़ा जो दूसरा वाला ई है वो बताया गया है, और उससे वो स्वर जो है वो आने वाला शब्द जो है वो कौन सा है, चारपाई। आपको देखो, आपको इसमें शब्द भी बताए गए हैं किस तरह से लिखे जाते हैं और चित्र भी दिए गए हैं। उसके बाद है छिपकली, छिपकली में से प है, उसका दूसरा शब्द आपको बताया गया है सांप, क्या बताया गया है, सांप। उसके बाद है उड़न खटोला, उससे ऊ से ऊ इस वर्ष शुरू होने वाला शब्द है उल्लू। ल से शुरू होने वाला है लहसुन, ख से शुरू होने वाला है खटमल। उसी तरह ऊन शब्द दिया है, तो ऊ पाऊ प्याऊ, और जुगनू में से अजगर, यह जो है वो शब्द आपको बताए गए हैं। अब देखो, उसके आगे का देखो शब्द बताया गया है चमगादड़, ढलना, सॉरी ढलान, गठरी, उससे चटई, मकड़ी, लड़की, इस जैसे शब्द बताए गए हैं चमगादड़ से, जो हमें उसके बाद है ढलान का, ढ से ढाल बताया गया है, तो गठरी में से ठ, ठ से ठप्पा, यह शब्द हमें बताया गया है। देखो इन सभी में आप अगर देखते हो तो कहीं पे आपको पहले जो इलायची, ईद और छिपकली है उसमें ची को देखो, पहले ई की मात्रा है, छिपकली इस शब्द में पहले ई की मात्रा है, तो इलायची जो शब्द है इलायची में ई से ही शुरू हुआ है, इलायची यह शब्द जो है ई स्वर स्वर से शुरू हुआ है, ईद दूसरे ई से शुरू हुआ है, तो छिपकली में छी जो है, जो छी अक्षर लिखा गया है उसकी जो मात्रा है वो ई की मात्रा है, पहले ई की मात्रा, जो ली शब्द है उसकी मात्रा जो है वो है दूसरे ई की मात्रा। उसी तरह से नीचे देखो, उड़न खटोला, ऊन और जुगनू, ये शब्द हमें दिए गए हैं, यहाँ पर हमें ऊ की मात्राएं बताई गई है, कौन सी मात्राएं बताई गई है, ऊ की। देखो उल्लू, लू दूसरा ऊ का, दूसरे ऊ की मात्रा है, लहसुन सु को पहले ऊ की मात्रा है, उसके बाद है पाऊ प्याऊ, प्याऊ को ऊ की मात्रा, ऊ यह जो स्वर है उसमें आया है,
उसके बाद अजगर है, अजगर में अ है, तो अ को कौन सी भी मात्रा नहीं होती है ना, अ को कौन सी भी मात्रा नहीं होती है। उसके बाद चमगादड़, ढलान, गठरी। उसके बाद चटाई, मकड़ी, लड़की। मकड़ी और लड़की में से डी और की को कौन सी मात्रा आई है, कौन से ई की मात्रा आई है, दूसरी ई की मात्रा। उसके बाद ढाल को ढा, ढा को कौन सी मात्रा है, बराबर आ की मात्रा है। उसी तरह से ठप्पा में भी पा जो है उसे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। देखो पाठ पाँच में हमें मात्राएं बताई गई है और वो है अ, आ, ई, ऊ और ऊ। इन छह स्वरों की मात्राएं हमें बताई गई है। अ को कोई मात्रा नहीं होती है उसका, तो आ को मात्रा आती है, काना आता है जिसे हम काना कहते हैं मराठी में, वो आता है। तो दोनों ई में पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी। मैं मराठी में भी आपको बता रही हूँ तो आपको ठीक से याद रहेगा। डाई की तरफ से अक्षर के डाई तरफ आने वाली मात्रा और अक्षर के बाई तरफ आने वाली मात्रा, यानी कि पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी। उसके बाद मराठी में जिसे हम ऊ को ऊ की दोनों ऊ की मात्राएं कैसे किसे कहते हैं, तो उकार आता है, पहला उकार और दूसरा उकार। लिखते हैं उसी तरह से, सिर्फ बोला जाता है उसका जो है बाई तरफ होता है घुमाव, उस मात्रा का घुमाव हिंदी में बाई तरफ होता है और मराठी में और दूसरे ऊ का जो घुमाव है वो दाई तरफ होता है। इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा। अब देखो पढ़ो, पन्ने के आखिर में आपको पढ़ो यह बताया गया है, उसमें कुछ शब्द है, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको वो शब्द वापस से दोनों पढ़ो, दोनों पन्नों पर जो पूरे पाठ में जो शब्द दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। यह नख, ऊर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हद, हमदम, चकचक, चटपट, फटकर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चुरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरुह, कुरूप, खुटरू, शारीरिक, पिचकारी। देखो अभी जो शब्द मैंने पढ़े उसमें अ, आ, ई दोनों ई और दोनों ऊ की मात्राएं हैं। गृह कार्य के लिए आपको इस पाठ में आए हुए सभी शब्दों को पढ़ना है।